फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत पांडे और आप सभी का स्वागत है ग्रीनेस कंसल्टिंग के आज के वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आईएसओ स्टैंडर्ड्स के बारे में। आपने बहुत बार सुना होगा अपने कस्टमर के मुंह से कि आपको आईएसओ स्टैंडर्ड लेना चाहिए, आपको अपनी कंपनी में आईएसओ सर्टिफिकेट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, आईएसओ स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो बहुत सारी कंपनी में बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा आईएसओ हमारे लिए काम करेगा या मेरा कस्टमर किस आईएसओ को देख के सेटिस्फाई होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आईएसओ होता क्या है और आईएसओ का मतलब क्या है और इसके स्टैंडर्ड को कैसे लेते हैं और इसके पीछे की जो बेसिक चीजें हैं वो आज इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूं। तो पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, और जिनको भी आईएसओ स्टैंडर्ड से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो ये वीडियो उनको शेयर जरूर करिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आईएसओ स्टैंडर्ड में आईएसओ का मतलब क्या है। जनरली लोग सोचते हैं कि आईएसओ का मतलब होगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जबकि आईएसओ का जो फुल फॉर्म है वो होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ओके, तो लिखा इसको आईओएस जाता है लेकिन बोला आईएसओ जाता है, तो इसका मतलब होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्ड को क्रिएट करने वाला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि आईएसओ है। बात करें आईएसओ ऑर्गेनाइजेशन की तो वो कहां पर है। इसका जो हेडक्वार्टर है यानी कि मेन ऑफिस जहां से पूरे वर्ल्ड में ये काम करता है वो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो कोई अगर पूछे कि कौन से आईएसओ से लिया है, तो आईएसओ तो भैया दुनिया में एक ही है जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में। अगर बात करें कि आईएसओ बना कब था, तो आईएसओ एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, किसी गवर्नमेंट या किसी कंट्री के अंडर काम नहीं करता है। जेनेवा में उसका ऑफिस जरूर है लेकिन दैट इज अ एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑफिस। एंड 1947 में सबसे पहले आईएसओ का जो डेवलपमेंट था वो हुआ था। और अगर आप देखोगे तो इस आईएसओ के अंदर में 160 कंट्रीज हैं जिसकी नेशनल स्टैंडर्ड बॉडीज के साथ ये काम करता है। ठीक है, तो आईएसओ क्यों लिया जाता है, आपकी कंपनी को आईएसओ क्यों लेना चाहिए या कोई भी आईएसओ क्यों लिया जाता है, क्योंकि आईएसओ का मिशन है टू मेक लाइफ बेटर, सेफर एंड इजियर फॉर एवरीवन एवरीवेयर। इसलिए अलग अलग एक्टिविटी के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं। और स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, मानक बनाना, मानकीकरण करना, मतलब किसी भी काम को करने का एक तरीका डिफाइन करना, यही है आईएसओ। तो चलिए बात करते हैं आईएसओ कैसे लिया जा सकता है और कौन कौन से मेन स्टैंडर्ड हैं जो आपकी कंपनी में लागू हो सकते हैं। वैसे अगर बात किया जाए तो आईएसओ के अंदर तो 1000 के आसपास स्टैंडर्ड होंगे और उससे ज्यादा भी स्टैंडर्ड है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन स्टैंडर्ड है वो मैंने आपको यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है, जिसमें सबसे पहला स्टैंडर्ड बोलते हैं आईएसओ 9001:2015। किसी भी कंपनी के लिए, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे आप कोई सर्विस देते हो, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है जिसका नाम होता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका मतलब है अगर आप अपनी कंपनी में क्वालिटी के हिसाब से काम करते हो, अपने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो करते हो, यानी कि आज जो प्रोडक्ट बना रहे हो वैसा ही प्रोडक्ट आप फ्यूचर में बनाओगे और हमेशा क्वालिटी को फॉलो करोगे, तो आपको आईएसओ 9001:2015 स्टैंडर्ड लागू करना चाहिए, इसका सर्टिफिकेशन अपने कराना चाहिए। अगर आप एनवायरमेंट के प्रति भी बहुत सजग हो, आप एनवायरमेंट को केयर करते हो, एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते हो, तो उसके लिए आपको आईएसओ 14001:2015 स्टैंडर्ड लेना चाहिए जिसका नाम है एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तीसरा जो मोस्ट कॉमन स्टैंडर्ड है वो है आईएसओ 45001:2018 जिसका नाम है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर हम लोग बात करते हैं जो कंपनी के अंदर काम करने वाले लोग हैं उनकी हेल्थ और सेफ्टी को इम्प्रूव करने के, यानी कि हम अपने वर्कर के हेल्थ के बारे में ध्यान रखते हैं, हम अपने वर्कर के सेफ्टी के बारे में ध्यान रखते हैं, हमारी कंपनी में सेफ प्रैक्टिसेस फॉलो होती हैं, एक्सीडेंट को जीरो हम अचीव करते हैं। इन सबको अगर आप लागू करना चाहते हो तो आईएसओ 45001:2018 स्टैंडर्ड को यूज करिए। फिर एक और स्टैंडर्ड कॉमन है आईएसओ 50001:2018। अच्छा, ये जो 2015-18 आप देख रहे हो ये होता है इसका रिवीजन का लेटेस्ट ईयर, यानी कि 2018 में ये स्टैंडर्ड फिर से रिलीज हुआ है, रिवाइज हुआ है और अभी तक वही लागू है। जैसे ही फिर से नया आ जाएगा तो 2018 की जगह कोई नया साल उसमें जुड़ जाएगा, 2020, 2022, 2021, 2023, 2024, 2025 या जब भी कोई रिलीज होता है। तो 50001:2018 में अपडेट हुआ है जिसका नाम है एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब आप अपनी कंपनी में एनर्जी को सही तरीके से यूज करते हो, एनर्जी कंजप्शन पे काम करते हो, उसको रिड्यूस करने पे एनर्जी का सही उपयोग करते हो, सोलर सिस्टम यूज करते हो, एनर्जी एफिशिएंसी पे आप वर्क करते हो, तो आपको एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम फॉलो करना चाहिए। अगर आपकी कंपनी मेडिकल डिवाइसेस बना रही है, जो
मेडिकल इंडस्ट्री में यूज होने वाले डिवाइसेस हो सकते हैं, जैसे कोई ऑपरेशन थिएटर से रिलेटेड इक्विपमेंट हो सकता है, बेड हो सकता है, चेयर हो सकता है, या किसी भी तरीके की डिवाइस हो सकती है ऑपरेशन या हॉस्पिटल में यूज होने वाली या मेडिकल में यूज होने वाली, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको आईएसओ 13485 2016 स्टैंडर्ड यूज करना चाहिए। और नेक्स्ट जो मोस्ट कॉमन स्टैंडर्ड है वो फूड वालों के लिए है। आपकी कंपनी में अगर कोई भी तरीके का फूड बना रहे हो या फूड बनाने में यूज होने वाला कोई कंटेंट बना रहे हो, ठीक है, तो आपको आईएसओ 20000 2018 स्टैंडर्ड लेना चाहिए। तो ये कुछ कॉमन स्टैंडर्ड है, इसके अलावा भी बहुत सारे स्टैंडर्ड होते हैं, मैंने बताया 1000 से ज्यादा स्टैंडर्ड है आप यूज कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता है कि आपकी कंपनी में कौन सा स्टैंडर्ड यूज होगा, कौन सा सर्टिफिकेट आपको लेना चाहिए, तो आप नीचे दिए नंबर पे कॉन्टेक्ट कर लीजिए या कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। ठीक है, तो ये हो गए कुछ स्टैंडर्ड जो आईएसओ में यूज होते हैं मैक्सिमम कंपनी में। नाउ ये आईएसओ स्टैंडर्ड देता कौन है? नाउ आईएसओ स्टैंडर्ड के लिए देखो, एक तो हो गया आईएसओ जिसने ये स्टैंडर्ड बना दिया, लेकिन वो आपके पास नहीं आएगा कि भाई हमसे आईएसओ ले लो, हम आपको कंपनी को सर्टिफिकेट दे देंगे। वो सर्टिफिकेट नहीं देता, उसने स्टैंडर्ड बना दिया। आप आईएसओ से स्टैंडर्ड को परचेज कर सकते हो, ठीक है, वो खरीद सकते हो आप, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने का, सर्टिफिकेट देने का जो बॉडी है वो डिफरेंट होती है। तो सबसे पहले होती है एक्रीडेशन बॉडी। एक्रीडेशन बॉडी जिसको एबी बोलते हैं, ये बॉडी का काम होता है जो बॉडी सर्टिफिकेट देगी, जिसको सीबी बोलते हैं, उसको ऑथराइज करना कि आप ये सर्टिफिकेट दे सकते हो, ठीक है। तो एक्रीडेशन बॉडी जो बॉडी सर्टिफिकेट देती है उसका ऑडिट करती है और उसको बताती है कि हाँ आप ये आपका जो सिस्टम है, आपका सर्टिफिकेशन देने का सिस्टम, आपका ऑडिट करने का सिस्टम, वो सब फुलफिल हो रहा है, आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन क्लियर है, आप सर्टिफिकेट इशू कर सकते हो। तो ये उनको ऑडिट करते हैं, उन्हें एबी बोलते हैं। तो एबी के बाद आता है सीबी, जिसको बोलते हैं सर्टिफिकेशन बॉडी, जो आपको सर्टिफिकेट देगी। तो ऐसी कंपनी जो इन आईएसओ स्टैंडर्ड के हिसाब से आपकी कंपनी में ऑडिट करेगी, आपके डॉक्यूमेंट को रिव्यू करेगी, आपके पूरे प्रोसेस को अंडरस्टैंड करेगी, ऑडिट करने के बाद अगर आप सिस्टम को फुलफिल कर रहे होगे, कौन सा सिस्टम को, जो भी आप आईएसओ लेते हो उसके रिक्वायरमेंट को अगर आप फुलफिल कर रहे होगे, तो फिर आपको सर्टिफिकेट देगी, ठीक है। तो कुछ अगर एबी के मैं बात करूं, आप देख सकते हो आपके सर्टिफिकेट में इनका लोगो लगा रहता है। कुछ एबी है जैसे आईएटीएफ 16949, ये केवल आईएटीएफ सर्टिफिकेट के लिए ये भी काम करता है, ठीक है। तो अगर आपकी कंपनी IATF 16949 स्टैंडर्ड ले रही है, ऑटोमोटिव कंपनी के लिए है ले रही है, तो उसके में IATF 16949 का लोगो होता है। अगर आप ISO यूज कर रहे हो तो ISO के लिए DAKKS है, ANAB है, NABCB है, UKS है, AGAC है, और भी बहुत सारे हैं जो ये एक्रीडेशन देते हैं सर्टिफिकेशन एजेंसी को। नाउ सर्टिफिकेशन एजेंसी कौन है? तो इंडिया की अगर मैं बात करूं, एक्रीडेशन बॉडी जो होती है पूरे ग्लोबल में होती है, 8-10 मेन है, ठीक है, लेकिन सर्टिफिकेशन बॉडी बहुत सारी है, हर कंट्री में अलग अलग है। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में कुछ सर्टिफिकेशन बॉडी बहुत ही टॉप लेवल पे है, जैसे कि DQS है, TUV SUD है, ब्यूरो वेरिटास है, BSI है, DNV है, ये सारे मेन सर्टिफिकेशन बॉडी है इंडिया के अंदर। उसके बाद जो आप देखते हो वो फिर लोअर लेवल के है, ठीक है। कई बार वो कहते हैं कि हम ऐसे ही सर्टिफिकेट दे देंगे, वो तो फिर फर्जी सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, बहुत सारे लोग यूज करते हैं, लेकिन रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप सिस्टम को फॉलो करके सर्टिफिकेशन लोगे तो वो आपको ज्यादा फायदा करेगा, कागज लगाने से कोई बहुत ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। हम बात करते हैं कि आईएसओ स्टैंडर्ड काम कैसे करता है। अगर आपने एक बार सर्टिफिकेट ले लिया तो क्या ये हमेशा के लिए हो जाता है? नहीं, आईएसओ स्टैंडर्ड इस तरीके से काम नहीं करता है। कोई भी आईएसओ सर्टिफिकेट, कोई भी, केवल 3 साल के लिए वैलिड होता है, ओनली फॉर 3 इयर्स। जैसे आज आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए, वो आपके यहाँ पे आए, स्टेज वन ऑडिट किया उन्होंने, स्टेज वन ऑडिट करने के बाद फिर आपको कुछ क्वेरी दी, आपने उसको सॉल्व किया एनसी को, फिर स्टेज टू ऑडिट हुआ और आपको फाइनल सर्टिफिकेट दे दिया, तो सर्टिफिकेट में आज की डेट हो गई और अगले 3 साल तक की डेट रहेगी कि 3 साल तक ये वैलिड है। लेकिन ऐसा नहीं कि आज ऑडिट किया उसके सीधे 3 साल बाद मिलेंगे, वो हर साल आपके यहाँ पे आके सर्विलेंस ऑडिट करेंगे, और अगर आप सर्विलेंस ऑडिट नहीं कराते हो तो आपका सर्टिफिकेट इनवैलिड हो जाता है, वो फिर किसी काम का नहीं, क्योंकि कहीं भी वो शो नहीं करेगा। तो हर साल, एवरी 1 ईयर,
दे विल डू द सर्विलेंस ऑडिट टिल थर्ड ईयर, और तीसरे साल के बाद रिसर्टिफिकेशन ऑडिट होता है अगले 3 साल के लिए। तो इस तरीके से साइकिल चलता है, 3 साल के लिए, फिर रिसर्टिफिकेशन अगले 3 साल के लिए, फिर रिसर्टिफिकेशन अगले 3 साल के लिए, और हर 3 साल के बीच में हर साल सर्विलेंस ऑडिट। तो इस तरीके से आईएसओ सर्टिफिकेशन काम करता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आईएसओ के बारे में जो बेसिक नॉलेज मैंने आपको दी पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप नीचे नंबर दिया जा रहा है यहाँ पे, इन नंबर पे कॉल कर सकते हो, मुझे मेल कर सकते हो, या कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि क्या चीज आपको नहीं समझ में आई, ताकि मैं उस पर फिर आपको एक्सप्लेनेशन कर सकूं या वीडियो बना सकूं। तो बहुत अच्छा लगा आपके लिए ये वीडियो बना के, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया। थैंक यू, गुड डे, गुड बाय, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक से। बाय बाय।